अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये ट्यूसडे की व्लॉग थी और मैं मार्केट गई थी एक दिन पहले ही, तो साग पालक साग ना बहुत फ्रेश था, तो मैं सोची पालक साग ले लियो। और हस्बैंड और शहजाद दोनों को भी बहुत पसंद है, मुझे तो है ही पसंद पालक साग। तो इसमें मैं ना अनियन में बस दो ग्रीन चिली और रेड चिली डाल के फ्राई कर ले, उसके बाद 3 पोटैटोज़ डाल के फ्राई की हूँ और फिर पालक साग डाल दिए। इसमें ना टोमेटो डाल दीजिए और टोमेटो स्किप मत कीजिएगा। साग में टोमेटो डालने के बाद ना साग में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है पालक आलू जो होता है ना। और इसमें बस थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि साग का भी थोड़ा सा पानी छूटता है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए, बीज हम लोगों का बीच में वेजिटेबल्स बिल्कुल यहाँ होते हैं अच्छे वेजिटेबल्स, लाइक अलग अलग बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल मिलती है ना जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है, तो समझ ही नहीं आता ट्राई करूँ नहीं करूँ, इसलिए भी उतना नहीं हमेशा बनाते। और खैर अब मैं क्लीनिंग वगैरह करने लगी, दाल चावल हो ही चुका था, बच्चे लोग सोए हुए थे, इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। और इधर मैं चपली कबाब के सारे कटिंग्स करके रखी हूँ, अनियन, ग्रीन चिली, गार्लिक, टोमेटो, तो लेमन वगैरह। और रात में भिंडी की सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए भिंडी वॉश करके रख रही थी। और बच्चे सोए रहते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है, वरना मन्हा और शहजाद तो उठने के बाद मुझे आवाज़ देंगे 10-15 मिनट, मैं उनके साथ जाके लेटूंगी, उसके बाद ही वो बेड छोड़ते हैं। और मैं भिंडी वॉश कर ही रही थी कि मन्हा मैडम उठ के चली आ रही थी। और अब कुछ ही दिन छुट्टी बाकी है तो सो लें जितना सोना है, अक्सर सब बच्चे देर से ही उठ रहे हैं, मैं भी छोड़ दे रही हूँ, चलो सो लो जितना सोना है। थोड़ा दिन बाद अब स्कूल खुल जाएगा और गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। स्नान तो कर लो, सुबह उठ के बाल का बुरा हाल है, सुबह सुबह चॉकलेट में लगी हुई है, रख दो बेटा चलो फ्रेश होने के लिए, गंदी बात है। चलो चॉकलेट रखो, जाके भैया को उठाओ, उठेगा मम्मी बस थोड़ा सा आटा सान करके आ रही है साग को उतार करके। दलिया खाओगी बना के? वही चावल जो खाती हो, घी नमक चावल, वो खाओगी? थे ना बेटा, तो पुल पे ना नेकलेस उतार दिया जाता है, वरना पुल में गिर जाएगा ना, मना करती हैं टीचर्स भी वहाँ पे कि ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है ना। देखो तो मम्मी का तुमसे बात करते करते कितना जल्दी जल्दी आटा सना गया। सही में मना मेरे पास रहती है ना तो मेरा काम सच में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर मैं मना को भेज दी शहजाद को उठाने के लिए और एवोकाडो की स्मूदी बनाने लगी। फिर मैं उस बच्चों को फिर फ्रेश कराने जाना, तो उससे मैं सोची जल्दी जल्दी एवोकाडो की स्मूदी बना दूँ, वाटरमेलन की शेक बना दूँ। और ये वाली एवोकाडो ना कड़ी थी थोड़ी, तो अच्छी खासी टाइट है, तो फिर मैं इसे रख दी फ्रीज में। और ये दूसरी वाली पक गई थी, ये अच्छी सॉफ्ट है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग वेरी करता है। ये युगांडा वाला होता है, ब्लैक ब्लैक सा होता है एंड अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, और इसका पील ना अपनी इस स्किन को, उसको पल्प को छोड़ा हुआ होता है,
तो नाइफ़ लगाने का भी ज़रूरत नहीं होता, ऐसे हाथ से ही हट जाता है टूट टूट करके। और एवोकाडो स्मूदी बहुत ही यमी होता है, हेयर के लिए, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बस मैं थोड़ा सा हनी रम, मैं एक ही एवोकाडो ली हूँ और दूसरी वाली बहुत ज़्यादा टाइट थी इसलिए मैं उसे रख दी, और बस इसमें 2 टेबल स्पून के अराउंड मैं डाली हूँ हनी, और मिल्क डाल दूंगी, आइस क्यूब डाल दूंगी, आइस क्यूब थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए क्योंकि ना एवोकाडो जो होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है रखने से ना, फिर अभी जैसे बना के निकालेंगे तो उस वक्त ठीक रहता है, थोड़ा सा जब जैसे स्टोर करने से ना थोड़ा सा इसका कलर भी वेरी कर जाता है, डिफरेंट सा हो जाता है, और फ्रेश बनने से लाइट ग्रीन सा रहता है, अच्छा लगता है। और फिर मैं वाटरमेलन शेक बनाने लगी, और ये तो जानते ही होंगे आप कि ये मस्ट है हमारे यहाँ, तो हस्बैंड को हमेशा चाहिए वाटरमेलन वाला, हमेशा मैं बना के रखती हूँ फ्रीज में, ये ख़त्म हुआ दूसरा बन जाता है। तो और यहाँ ना वाटरमेलन बहुत बड़ी बड़ी सी आती है जिसकी वजह से ये इस तरह से कट करके पीस को पैक कर करके तब देते हैं, लाइक इंडिया में ना कट करके अगर लेना भी है तो लेना पड़ता है, वरना हम लोग फुल ही लेते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है ना इसलिए। और बहुत ही मीठी थी, इसी को देख के मना बोल रही थी मेरी कुछ मुच्छू मम्मी हमको वाटरमेलन बना के देगी, तो मैं सारे वाटरमेलन को हल्का हल्का सा ना क्रश कर दी, और यहाँ पर ना आइस क्यूब डाल दूँगी, और मैं मना कि वाटरमेलन निकालना भूल गई हूँ तो मैं इसी हुई इसको क्रश कर चुकी थी, फिर मैं इसी से वाटरमेलन को उसके बाउल में निकालने लगी हूँ। थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स वो शौक से खाती है माशाल्लाह से, और मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उसका निकालना भूल गई थी। फिर इसमें 4 टेबल स्पून में शुगर डाल दी हूँ, 1 लेमन डाल दी हूँ, अच्छी येलो वाली लेमन नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से ये ग्रीन वाली लेमन डाली हूँ, बट ना ग्रीन वाली लेमन ज़्यादा जूसी नहीं थी इसलिए मैं 1 पूरी डाल दी हूँ, और आज मेरे पास मिंट भी नहीं था, मैं थोड़ा सा इसमें वाटर डालूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पल्पी लगेगा फिर तो, और इससे शेक करके इसे भी स्टोर करके रख दूँगी। फिर बच्चों को फ्रेश करा के नाश्ता वगैरह करा दी, और उसके बाद मैं ये चपली कबाब बनाने के लिए आ गई थी। ये मैं मिन्स मीट ले ली हूँ मटन की, और इसमें बस कोरिएंडर और थोड़ा सा बस हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर ले ली हूँ, और 2 ग्रीन चिली डाल दी हूँ, और 4-5 जावे लहसुन के उसे भी चॉप करके डाल दी हूँ, टमाटो डाल देना है, और फिर अच्छा इसमें ना मैं अनियन डाल दी हूँ, मैं 1 बड़ा साइज का अनियन जो है सो महीन चॉप करके डाल दी हूँ, टमाटो डाल दिए हैं, टमाटो भी 1 बिग साइज़ की 1 टमाटो डाली हूँ, अब 2 टमाटो ले लीजिए छोटी है तो। और हाँ, इस चपली कबाब का मैं मसाला वीडियो के एंड में उसकी लिंक लगा दूँगी, या डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूँगी, वहाँ चेक कर लीजिए चपली कबाब का। यहाँ मैं चपली कबाब का मसाला 2 चम्मच डाली हूँ, ये मैं हैंडमेड जो चपली कबाब मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में, मैं फिर से लिंक डाल दूँगी। तो 2 चम्मच मैं चपली कबाब डाली हूँ और का मसाला डाली हूँ, और 1 चम्मच भर के मैं सत्तू डाली हूँ, आप मैदा भी डाल सकते हैं, तो और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए, और ग्रीन चिल्ली तो डाल ही चुके हैं जिसकी वजह से मैं कोई रेड चिल्ली डालूंगी नहीं, ऐसे भी चपली कबाब के मसाला में ना सूखी लाल मिर्च रहती है तो बिटर तो अकॉर्डिंगली रखना है, आपके हिसाब से रख लीजिए, बच्चे हैं तो मैं थोड़ा कम डालूंगी, और बस इससे फोक से हेल्प से उसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है। 1 एग डालना मैं भूल गई थी तो मैं बाद में एग ऐड कर रही हूँ, 1 एग ले लीजिए आप, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग एग आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाँ, इसे एग को मैं हल्का हल्का सा फोक से ही हल्का सा फेंट ली, और इसे अच्छे से मिक्सिंग कर देना, ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंस्टेंट सा होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी लगता है, मना भी खा लेती है इसे, उसे भी मैं बना करके दे देती हूँ हाथ में तो फिर वो अपने से खा लेती है क्योंकि मना को आदत नहीं है, वो दाल अलग से पीती है, सूखी राइस अलग से खाती है, चिकन भी रहा तो चिकन अलग से खाती है, वो हर कुछ सेपरेट खाती है, किसी चीज़ को मिक्सिंग नहीं करती है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और फोक के बाद भी मैं इसे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से मिल जाए इसलिए, और फिर से अच्छे से एक शेप दे दें किनारों को अच्छे से मिलाते हुए, अच्छे से शेप दे करके बस बना लेना है, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। अच्छा, चपली कबाब जब भी बनाएं तो ऑलिव ऑयल में बनाएं, और ऑलिव ऑयल में बनाने के बाद ना जब उसे रिमूव करते हैं ना ऑयल से तो ऑलिव ऑयल कहीं से नुकसानदेह नहीं होता है, तो आप उसके ऊपर भी ना हल्का हल्का सा ऑयल डाल दें तो उससे ना चपली कबाब ना थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है ना, तब भी वो अंदर से एब्जॉर्व कर रहे तो ऑयल ना तो बहुत जूसी भी लगता है। तो इसी तरह से बस इसे शेप दे देंगे और
इसे बना देंगे ऑयल में जब, और ठंडे में भी नहीं डालें, ऑलिव ऑयल भी डाल के, जैसे ऑलिव ऑयल डालने के बाद ना आप तुरंत कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, बट ना चपली कबाब ना ये टूटने लगेगा, आप इसको जब इसकी साइड चेंज करेंगे ना फिर ये टूट जाएगा। इसे ऑयल को पहले अच्छे से गर्म होने दें और उसके बाद थोड़ी तेज़ आँच पर हल्का सा ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन होने दें और इसे बना लें। और चपली कबाब रेडी है। तो बच्चों को खाना खिला दिया, असर की अजान हो गई थी, फिर मैं सोची नमाज पढ़ के तब खाना खाती हूँ, तो अभी मैं खाना लेकर के बैठी हूँ। डोसा आलू मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है और विदाउट अचार तो मिसिंग लगता है सब कुछ। मुझे चपटी कबाब ना बहुत पसंद है, लाइक इजी भी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत होता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत उधर मेरे हस्बैंड अलमीरा खोल के छोड़े हुए। लड़कों का यही है, आएंगे नहीं कि मैं खा लूँगी, फिर मना को कुछ खिलाना है तो मैं मना फ्रूट्स खा के बैठी हुई थी। स्टेडियम और फ्रेंड्स शाम का टाइम था, हम लोग बैठ करके शज़ैब का मैथ्स का प्रोजेक्ट बना रही थी, 3D शेप प्रोजेक्ट। और यहाँ हम लोग ना टिश्यू पेपर को पूरा टोर करके और फेविकॉल को हल्का सा वाटर में डिजॉल्व करके उसे अप्लाई कर रही थी और उसके ऊपर टिश्यू पेपर अप्लाई कर दिए ताकि फिर ड्राई हो जाएगा ना, फिर उसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। और मेरी मना मुझे हेल्प करा रही थी और जिसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं आराम से पीछे आराम कर रहा है। हमेशा मम्मी तो वही बना देगी। तो मम्मी जब स्कूल में टीचर देगी तो मम्मी बनाएगी। आजकल के बच्चे ना बहुत हाजिर जवाब होते हैं, इतने आराम से शज़ैब बोल रहा है, हमेशा थोड़ी बनाती हो, जब प्रोजेक्ट मिलता है तब ना बनाती हो। लड़के लोग ऐसे भी बहुत केयरलेस होते हैं खैर, और मतलब लापरवाह होते हैं अपने हर चीज़ के लिए, बस सब कुछ करके मिल जा रहा है और क्या चाहिए। और स्कूल्स में आजकल इतने प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, कोई वीक नहीं जाता है जब ना नॉर्मल प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, और समर वेकेशन में तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही मिला है। और फ्रेंड्स ये वेंसडे की व्लॉग है और मैं और बेटा बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये वक्त फजर के बाद की है और रात भर शज़ैब ट्यूसडे नाइट मम्मी पापा दोनों में से किसी को सोने नहीं दिया। फिर मैं हस्बैंड को बोली तुम सो, तुम्हारी ऑफिस है, मैं लेकर के बैठती हूँ, अब इससे जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ा मेरे साथ और प्रोजेक्ट करने बैठ गए हम लोग। रात थकते नहीं है ना बच्चे, इसलिए नींद नहीं आती है और लेट से सोना, कितना भी सवेरे सुलाना चाहो 2 बजाते ही हैं, लेट ही रहेंगे बेड पे, क्यों नहीं 2 बजा देंगे, लेकिन 2 बजाएंगे और जिसकी वजह से सुबह नींद नहीं टूटती है। कितना भी उठाओ वही 12 बजे उठना है या 1 बजे उठना है और उसके बाद भी क्या करना है, मोबाइल लेके बैठे रहना है, खाना खाना है और थोड़ा होमवर्क करना, तो उसमें बच्चों की एक्टिविटी होने रही है इसलिए भी नींद नहीं आती है। और बुरा हाल हो गया था, सर में दर्द वैसे ही पकड़ी हुई थी लेकिन फिर भी इनके प्रोजेक्ट कर रही थी बैठ करके। और यहाँ मैं सारे कलरफुल प्रिंटआउट्स निकाल के उसको कट की और स्टिक करके बुक के फॉर्म में बनाना था, स्वर और व्यंजन वाला जो हिंदी की प्रोजेक्ट थी, फिर कुछ मैथ्स की प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाए, वॉल हैंगिंग्स बनाना था वो बनाए। तो और इसके अलावा आज मैं दिन में कुछ शूट नहीं की, सुबह से जो उठे हुए थे ना, फिर दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता और यहाँ सारा काम अपने ही करना पड़ता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और ये रूम का हाल देखें, अभी हम लोग बनाए हैं वॉल हैंगिंग और ये व्यंजन जो होता है सर हिंदी का, सर और व्यंजन बस उसी का बुक बनाना था, इसको बुक जैसे तो सारे स्टिक कर लिया। अब हम लोग बैठ करके 3D कलर्स वाला जो मॉडल में स्टिक किए थे टिश्यू पेपर, तो उसे कलर कर रहे हैं और शज़ा मुझे हेल्प करा रहा है, उसको कलर करने में दिल लगता है इसलिए आगे है मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। उससे पहले कटआउट्स वाले प्रोजेक्ट्स में मैं बोल रही थी कट कर दो कम से कम, कुछ नहीं हेल्प करा रहा था, बैठ के वेस्ट कटआउट्स को काट रहा था और इधर से उधर स्टिक कर रहा था। और अब मैं भी सोच रही थी आज तो कुछ अच्छा बना उना करके तभी उठूँगी, जो फजर से मैं बैठी तो 12:30 के बाद ही उठी हूँ और बच्चे लोग जूस केक ये सब खा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप सब खुश होंगे, मजे से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग वाली डे थी और 3 वीक्स से मैं ना बस सामने सामने क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए आज बहुत ज्यादा क्लीनिंग था। सवेरे मॉर्निंग से ही उठ करके सारी क्लीनिंग घर सेट हो गया है, अभी लोग उठा के फ्रेश कराई हूँ और डे स्टार्ट हो रहा है हम लोग का नट्स से, तो पहले बच्चों को भी कुछ नट्स खिलाएं। चलो नट्स खत्म करो जल्दी से,
जल्दी नर्स खत्म करूंगी तब ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेगी, मैंने एक्सरसाइज करेगी ना, मैंने आपको हेल्दी रहना है ना। अभी बहुत ज्यादा वेट गेन करनी हो तो बस वेट लॉस करना है, जैसे सुबह सुबह मंगरेला और वो काला जीरा या बहुत कुछ बोलते हैं ना, उसको तो खाना चाहिए, सुनत है। और बच्चों को भी स्टार्ट कराई हो अभी वो लहसुन और चिया सीड में लेमन डाल करके सुबह में वो सब। अभी सुबह हम लोग बच्चों को भी मैंने आज से स्टार्ट कर रही हूँ, बच्चों को भी नर्स देकर के एक्सरसाइज करना है मेरे साथ। अभी मैं 2 वीक्स कर रही हूँ और बच्चों को भी स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे मनहशा जाए बिल्कुल नहीं सोता है, रात में इतना दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली दिन भर वो लेट से उठ रहा है, दिन भर बैठा हुआ है, थके ही नहीं बच्चे तो सोएंगे कैसे। बच्चों को भी ना साथ में मॉर्निंग में उठा करके साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, बस अभी लोग नर्स खिला दी और ले जाके एक्सरसाइज कराऊंगी, तब जाके उठ के नाश्ता करा करके इन लोगों को चेंज वेंज कराऊंगी। अब फ्रेंड्स ये शाम का टाइम था, मैं चिकन फ्रोजन चिकन था तो उसे निकाल के रखी थी, अब वो सॉफ्ट हो गया है, मैं अच्छे से वॉश करके इसे स्लिट लगा दी हूँ। जाली में रखी थी इसे, पर मुझे याद आया बाद में कि इसे पीछे से कट करना था, तो अब मैं इसे स्लिट लगा रही हूँ, स्लिट लगा के रखी थी बट मैं इसे पीछे से कट करके फिर से वॉश करूँगी। जब फ्रोजन चिकन को ना थोड़ा सा वॉश करते वक्त लेमन से रब करके तब वॉश किया करें, अच्छे से क्लीन होता है, फिर मुझे शक लगता है मतलब लाइक के स्मेल ना रह जाए। तो फिर मैं इसे फिर से वॉश की अंदर से और टिश्यू पेपर से ड्राई कर रही हूँ। अब इसके लिए कुछ मसाले अच्छे से इसे ड्राई कर देना, पानी बिल्कुल ना रहे, अच्छे से इसे ड्राई कर दें और फिर इसके लिए मसाले निकालेंगे। थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना है, हाफ एन आवर बस मैरिनेट के बाद ना बस हाफ एन आवर इसे रख दूंगी और उसके बाद फिर इसे माइक्रोवेव में कुक कर देना है। उसके लिए मसाले निकालती हूँ, इसे उसमें मैं 5 to 6 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले ली हूँ, लेमन जूस ले लेंगे 4 टेबल स्पून, ये जूसी था बहुत, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से इसे गा रही थी ताकि बहुत ज़्यादा जूस ना चला जाए। और इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून मैं चिली फ्लेक्स ली हूँ, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हूँ और फिर इसमें 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर जाएगा। और फिर इसमें ना आप कोई भी सीजनिंग डाल सकते हैं, आपके पास नॉर्मल मिक्स सीजनिंग होता है ना उसे भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, और मेरे पास मिक्स सीजनिंग नहीं था तो मैं 1/2 टेबल स्पून ओरिगैनो और थोड़ा सा ड्राई पार्सली डाल दी हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी हूँ और ये तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। और तंदूरी मसाला में ना आप ना बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से इसलिए मैं चाह रही हूँ अब इसे यूज़ करके ख़त्म करूँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालने हैं, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर एंड 1.5 टेबल स्पून अनियन पाउडर डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अनियन पाउडर को जितना भी रखो ना वो टाइट सा हो ही जाता है, तो मुझे भी टाइट हो गया था, फिर मैं उसे स्पून से अच्छे से पाउडर बनाई कर ले रही हूँ, और जिसकी वजह से ना वो मसाला जब अच्छे से मिक्स हो तो लम्स जैसा लगता है, इसलिए अच्छे से पहले पाउडर बना ले तभी ले लें। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और चिकन के ऊपर अप्लाई कर दूँगी, अच्छे से अप्लाई करें ताकि स्लिट्स वगैरह में अंदर अंदर से जाए, बैक साइड से भी साइज चेंज करके अच्छे से स्लिट में लगा दें मसाले को। मैं पूरा मसाला यूज़ कर ली थी और इसे 1/2 आवर छोड़ी और फिर वो माइक्रोवेव में कुक कर दी थी। Thank you.
और फिर थोड़ा छोटा सा मैं ना एक गार्लिक को ही बीच से कट करके उसे रख दी हूँ, ग्रीन चिली एंड ऑप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हैं, चेरी टोमेटोज और अनियन इन सबको कट करके रख दीजिए। ये हल्का हल्का सा ना वो बारबेक्यू सा हो जाता है ना, तो चिकन के साथ खाने में सैलड बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है, आप ऑप्शन लें, आप डालना चाहें तो डाल दें। मेहमान आए क्या आप लोग? मैंने पहले केक खा लो फिर ये खा लेना। मैंने प्लीज नो बेबी नो बेबी नो बेबी क्या चीज़ पे आप प्रॉमिस, मतलब नहीं समझे क्या क्या प्रॉमिस? वो मेरा मोबाइल ला लो ये प्लीज प्रॉमिस, ये कर दोगे ना प्लीज प्रॉमिस? नाटक चुप, ओवर एक्टिंग। और मैं किचन में काम करती हूँ, लोग बदमाशी करते हैं, मैं ग्लोव्स भी नहीं खोली हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं चलती हूँ किचन में, आप लोग खाइए ठीक है। मेरा चिकन रेडी है और इसे मुझे 40-45 मिनट्स लगा अराउंड बनाने में, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके साथ कोई भी सॉस है चटनी बना सकते हैं, मायोनीज में हॉट चिली सॉस मिला करके कर सकते हैं, इसके साथ में ये अनियन टोमेटोज साथ में खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी से रेसिपी। फ्रेंड्स टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट।